अभी रूबेन 86 का हो गया है। 1, 2, 3 एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। तो मेरा लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है, मैं अपने फ़ोन से ये जो वीडियो है मैं उसको शूट कर रहा हूँ। और आज है मेरा एम्प्लॉयर का बर्थडे। हेलो, यहाँ के लैंग्वेज में यम उलेदेत बोलते हैं इन लोग, ये लोग जो कि जन्मदिन, तो जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए अभी मैं जा रहा हूँ। मेरा एम्प्लॉयर का जो क्लब है वहाँ पे, जिसको यहाँ के लैंग्वेज में मादोन और सबयाम कहा जाता है। तो देखते रहे दोस्तों, थैंक यू उन तमाम लोगों को जिन्होंने मेरा चैनल को सपोर्ट कर रहा है, सब्सक्राइब कर दिया, इतना ढेर सारे प्यार के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। अभी मेरा हाल ही में बहुत जो GoPro है उसमें थोड़ा इश्यूज हो गया है, थोड़ा प्रॉब्लम आया है, क्योंकि लास्ट टाइम अगर आप लोग देखेंगे तिबेरिया में गाय बीच पार्क में थोड़ा वो GoPro के अंदर पानी घुस गया, तो उसको अभी ठीक कराने में टाइम लगेगा, अभी देखते हैं क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज का वीडियो आप लोगों को स्वागत करते हुए अभी मैं पहुंचने वाला हूँ मादोन। तो बाद में आपको दिखाऊंगा यहाँ का मादोन का माहौल कैसे रहता है, क्या है, क्या है, ठीक है। गाइस, तो ये है मादोन और हम लोग जाएंगे मादोन के अंदर। रूबेन पॉइंट किधर है? तो गए इधर का मादोन, और आज मैं आप लोगों को बता चुका हूँ अपने मोबाइल से वीडियो शूट कर रहा हूँ। गाइस, ये चेक कीजिए, यहाँ पे जितना भी फॉरेन वर्कर्स है और थे जो भी, उन लोगों को तमाम पिक्चर है, फोटोज। अभी मैं इधर नए हूँ तो मेरा इतना फोटो नहीं है, तो ढेर सारे फोटो वगैरह। अभी रूबेन जी हुए, रूबेन वहाँ पे बैठे हुए, अभी रूबेन का बर्थडे, बर्थडे बॉय है वो, उनका होगा केक कटाए। चीज़ बहुत ही अच्छा लगा मेरे को, यहाँ पे ना इतना प्यार और सम्मान करते हैं अपना जो भी फैमिली मेंबर है। और ये जो दिन है ना बर्थडे, जन्मदिन, हर साल ये लोग इसी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। भले ये लोग पूरा साल एक साथ नहीं रहते, अलग अलग रहते, क्योंकि इधर का जो इन्वायरमेंट है ना ऐसा ही है, रूल्स बोले या कुछ भी बोले, मगर एक माहौल ना अलग ही किस्म का है। ये अच्छा लगा मेरे को, देखते रहे दोस्तों। Yeah.
अभी रुबेन का उम्र हो गया 86। रुबेन माता तो खाता खाता अभी रुबेन 86 का हो गया है। 1 2 3 बस हो गया। בחגי חסר יפה, אבל תראה מה יצא מהם. רובן מזל טוב. בן כמה אתה עכשיו? 80. 86. כן, 86, נכון? מזל טוב. איפה? כל הכבוד, חזק אתה. כן, יופי. שורינקה, יש לי תעמוד, בואי נראה. שם יוביל את העוגה. ואז יא. तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया यहाँ पे मादोन में, मादोन जैसे कि क्लब में बताया आप लोगों, जो भी दोस्त लोग इसराइल से देख रहे हैं उन लोगों को तो मालूम है मादोन क्या चीज़ है करके, और जो भी इसराइल से बाहर है उन लोग मादोन के बारे में मालूम नहीं रहे। मादोन ये सब ये चीज़ को इस जगह को मादोन कहा जाता है इन लोगों के लैंग्वेज में। तो देख लिया आप लोगों ने यहाँ पे अपने पेरेंट्स का बर्थडे किस तरीके से मनाया जाता है, और ज़्यादा करके किबूज में ना मैंने अभी तक देखा है यहीं पे रह के ये लोग अपना जो भी है माता पिता का बर्थडे जन्मदिन इस तरीके से ये लोग सेलिब्रेट करते थे, क्योंकि अभी ये लोग देखने में बच्चे की तरह हो चुका है। अभी रूबेन 86 का है और इतना समझ नहीं है कि वो दिमागी हालत एक तो ठीक ना होने के कारण से वो थोड़ा कंफ्यूज था सुबह से, जिस तरीके से मैंने उन्हें ट्रीट किया आज सुबह, जिस तरीके से मैंने उसे विश किया था थोड़ा कंफ्यूज था। तो अभी बहुत ही खुश, और जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि रुबेन अभी कंफ्यूज है। रुबेन आप लोग देख सकते हो सीधा वो केक खा रहा है। तो कुछ इस तरीके का माहौल रहता है अपने पेरेंट्स के लिए ये लोग क्रिएट करते हैं। भले हर दिन ये लोग अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते, मगर जो मतलब कि जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहता है ना एक माता पिता के ऊपर, ये लोग उसमें 100% अपना देते हैं। और जिस तरीके से यहाँ का माहौल है आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि साथ में नहीं रहता है। जब उम्र हो जाता है 18-19 ये लोग अपने अपने काम पे बिजी रहता है और अपने करियर को फोकस करते हैं, तो इसी के चलते पेरेंट्स से सेपरेट होके रहते हैं। मगर सेपरेट का मतलब ये नहीं कि वो लोग बात नहीं करते, कभी मिलने के लिए आता, वो लोग मिलने के लिए भी आता है और इस तरीके से सेलिब्रेट भी करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों आज के वीडियो में बने रहने के लिए। तो इस तरीके का छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए, और कियर्गिबर का लाइफ ऐसा ही होता है यहाँ पे।